हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हम बाज़ार में खड़े हैं और गाइज, आज हमने सुबह ब्लॉग नहीं बनाया था बिल्कुल भी। पता है क्यों? क्योंकि हम जाने वाले थे चेन्नई। एक वीडियो देखा था ब्लॉग सोनिया जी का, तो जयपुर आ रहे थे 2 दिन पहले। तो हमने कॉन्टेक्ट किया उनसे कि भाई आप जयपुर आ रहे हो, तो उन्होंने बोला हाँ हम जयपुर आ रहे हैं। और उनकी सिस्टर रहती है यहाँ पे जयपुर में, तो उनसे हमारी बात होती है, तो उन्होंने हमारे को इन्वाइट किया है कि आप आ जाओ। तो अभी तो हम बाज़ार में थे, गए घूमने आए थे तो काम से, तो जस्ट अभी घर जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, उनसे मिलने जाएंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, हम सोनिया जी से मिलेंगे, उनकी बच्ची से, दीपक जी से। तो कैसा फील होता है सब कुछ देखने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। उनसे मिलाएंगे आपको, कैसे इंसान है सब उनके कमेंट करते हैं कि भाई वो कैसे हैं, उनसे मिलो। हाँ। तो आज हमारे को मौका मिला है इतने बढ़िया और इतने बड़े इंसान से, मतलब 2 मिलियन फॉलोवर, यार मतलब अच्छा लगता है कि हमारे हमारे मतलब हमारे पास में हमारे पड़ोसी 2 मिलियन तक है, जो एक नॉर्मल इंसान थे। अच्छा लगता है और बढ़िया, मतलब सब कुछ अच्छा ही चल रहा है उनकी लाइफ में। तो हम भी उनसे कुछ सीख के आएंगे, 2 बातें कि भाई कैसे क्या करते हैं। तो जा रहे हैं, आप लोग में बने रहना, 1% हटाना मत गाइस। तो भाई साहब, एक अंकिता का बहुत ही प्यारी फैमिली से हमारी यूट्यूब सदस्य है, जो कि मतलब 5-6 दिन से बीते रहा, जब से आया हमारे से रिक्वेस्ट कर रहा था मिलने के लिए, और ये पहला इंसान है जिसे हम मिल रहे हैं। और ये भाई है, क्या नाम है भैया आपका? हाँ, दीपक जांगिड़। इस भाई का दीपक जांगिड़ है और अंकिता का इतना बड़ा फैन है, फैन तो नहीं बुला सकते हम इनको, फैमिली का मेंबर है हमारी का, कि यूट्यूब एक एक चीज़ का पता रखता है ये भाई, कि कौन गलत कमेंट कर रहा है, कौन सही कर रहा है, हमारे पास एक एक चीज़ का मैसेज करता है। और ये भैया 2 दिन से हमारे लिए जॉब भी इसने छोड़ा है। सॉरी यार भैया, हम बिजी होने की वजह से आपसे नहीं मिल पाए थे, लेकिन आज हमने इनको बुला लिया हमारी जगह पर और आज इनसे मिल रहे हैं। तो कैसा लगा आपको हमारे से मिल गए, ये बताओ? हमारे को तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। हाँ, तो आपको आ जाओ, जूस पिला देते हैं आपको। और हमारे साथ राजेश भाई, विकास भाई भी है, तो जूस पीते हैं सारे मिलके। तो गाइज, पपीता शेक आ चुका है हम सबके लिए, और ये भाई भी पी रहे हैं, हम भी पी रहे हैं। तो अब इनसे मिलके सोनिया जी से मिलने जा रहे हैं हम, तो वहाँ जाएंगे, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, काफ़ी टाइम से फ़ोन तो कर रहे हैं हम उनसे, तो उनसे मिलके फिर निकल जाएंगे हम। तो गाइज, दीपक सोनिया का है, हम वेट कर रहे थे यहाँ पे गौशाला, आधे घंटे 1 घंटा हो गया कम से कम बैठे हुए यहाँ पे। अंकिता, राजेश भाई सब परेशान हो गए थे, तो फाइनली उनका मैसेज आया है कि भाई आप आ जाओ। राम राम जी। दीपक जी, राम राम। बढ़िया आप? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे आज मिलने आ गए। और सोनिया मैडम कैसे हो? और दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इनसे मिलवा दिया, अंकिता का सपना आपने पूरा कर दिया। भैया देवली से निकल के गए थे, लेकिन बस से गए थे, तो बस तो फिर प्रॉब्लम ये थी, आपके नंबर नहीं थे और सारा मतलब नहीं कांटेक्ट था उस टाइम पे, इनसे भी ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था, इनसे भी कांटेक्ट अभी जो पुराने के बाद में हुआ है मिलने। हाँ, उनसे मैंने बोला था कि मैं उनसे मिलने आऊँगा। तो अंकिता अब तू बता सही सही ईमानदारी से, भाई कतरी खुशी है इतना? क्योंकि दीदी यार ब्लॉग देख ली था वो, भाई मैं जयपुर जा रहा था, जब मैं को 2:30 बजे ट्रेन थी भाई साहब, तो हाँ तो ये कैंसिल ही करवा दी टिकट ना। सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग चेन्नई में रहकर भी अपने जो राजस्थान की जो कल्चर है ना, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू भाई, प्यार और सपोर्ट आप लोग हम लोगों को कर रहे हो, उतना ही प्यार और सपोर्ट इनको भी दीजिए। ये भी बहुत बहुत मुश्किल फेस करने के बाद, जैसे सेम प्रॉब्लम हमारी थी, हम लोग क्या गाँव से निकले हुए हैं, तो जिन प्रॉब्लमों को हमने फेस किया है ये लोग उस सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं अभी पूरे टाइम। बिल्कुल, आप जितना सपोर्ट करोगे वो सारी दूर होती जाएगी, जो इनको हेटर्स है वो चाहने वालों में बदल जाएगी कुछ दिनों बाद। सही बात, हम चारों सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका, और स्पेशल थैंक यू आपका भी कि मेरे नसीब में आपसे मिलना हुआ, फिर इनसे भी मिलना हो गया। देखो ये इतने अच्छे पर्सन है, जो पूछो मत, और इन दोनों के ब्लॉग जरूर देखें, आपको मजा जरूर आएगा। बिल्कुल, हमने दीपक जी और सोनिया जी से मिला, और इन सिस्टर से और जीजा जी से भी मिल लिया हमने, तो अच्छा लगा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। जाने वाले चौपाटी? हाँ, अभी जयपुर चौपाटी जा रहे हैं वहाँ पे। तो दीपक जी से मिलकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं 10 साल से जानता हूँ। हाँ, और मतलब एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे हैं अपने फैमिली की, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 10 साल से जानते हैं। बहुत ही नाइस पर्सन है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी इनकी स्टोरी थोड़ी समथिंग समथिंग है, थोड़ी मिलती जुलती है। हाँ, सबकी सबकी, इनकी भी। हाँ, इनकी नहीं है, दोनों कमा रहे हैं अभी, तो मतलब सही लग रहा है। और मेरे को तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा, मैं तो वॉइस दूंगा बाद में जाके,
जहाँ भी नहीं बोला जाएगा डब करूँगा बाहर जाके। तो सही लग रहा है, अभी जा रहे हैं हम दीपक जी के साथ में। तो आप बने रहना गाइस ब्लॉग में और प्यार और सपोर्ट बना के रखो साथ में सबके। तो भाई साहब हम आ चुके हैं जयपुर चौपाटी पे, राहुल जी और सब हमारा वेट कर रहे थे, दीपक जी हम साथ आए थे। और अंकिता जी कैसे हो? बढ़िया। इस वाली को इसको तो मैं रोज बोलता हूँ, इसको आज पहली बार बोल रहा हूँ। हाँ, और सोनिया जी उधर बना रहे रील, अभी अंदर एंट्री करना है। ले आए थे चौपाटी पे मन? हम नहीं, आप लेके आए। हम इनके साथ आए घूमने चौपाटी। और दीदी बस मेरा मूड खराब था, भाई लोग ले आए थे हमें। और दीपक जी बढ़िया? बड़ा फीलिंग आ रही है साथ। कोल्ड कॉफ़ी तो आ चुकी है और हमारे लिए उधर रख दिया है, लेकिन सोनिया जी के लिए कॉफ़ी यहाँ पे ढूंढना बड़ा मुश्किल था, वो मिल गई लास्ट में। हॉट कॉफ़ी, क्योंकि इनको ठंडा पीना पसंद नहीं है। अंकिता मतलब बोलबो ना रे यार, आज तक का ही बोलूँ यार, बोलो तू बोल, आज तारी पास सुनूंगी बोल। तो भैया बढ़िया लाग रहे हो जो डन, मतलब सब मिल रहा था, बढ़िया बढ़िया बता कर रहा था और सब कॉफी वोपी पी रहा था। मुझे लग रहा है कि 2000 रुपये का टिकट कैंसिल हुआ है ना, वो वसूल हो गया इनसे मिलने की वजह से चला जाता। मतलब अच्छा लगा, पहले तो सोच रहे थे पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलने के बाद में ऐसा लग रहा है कि भगवान करे हमें एक ही साथ कही है, सब पैसे वैसे कमा ले, एक ही साथ प्लेट व्लेट दे ले, सभी एक ही साथ रहे। तो मन ही नहीं कर रहा है कि कल में हम जाएंगे। हाँ मजा आ जाओ। और कॉपी आ गई सोनिया जी की, और यहाँ का रूम मसूकड़ा कौन चोरी कर लियो तो दुआ कर दियो सब सामान मिल जाओ। इनका देख लो, ये सब खा पी के क्या हालत कर दी इन्होंने, इन चारों लोगों ने। हाँ हमारे को सिर्फ कोल्ड कॉफी पिलाई इन्होंने, तो ये सब खा लिया है। ये ऐसे जानवर है जो जितने खाते हैं उतने भूखे रहते हैं चारों। जानवर है, जानवर जानवर नहीं है, जानवर है। तो गाइस इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, इन्होंने पहले खा लिया था, सूख गया है खाना ही। तो अंदर घूमे आया, बढ़िया खाया है पिया और सब बढ़िया मस्ती सु बढ़िया। तो अब जा रहा था घर, मिल लिया, अच्छा लगे जो। तो भैया फाइनली घर पे पहुंच गए हैं जीजा साहब के, और दीपक जी हम तो बाइक पे आए थे, ये सब फोर व्हीलर में आए थे, तो सब अपने अपने काम में लग गए। और सोनिया जी को और दीपक जी को सुबह मनाली के लिए बाहर पंजाब जाना है इनको, तो इनको निकलना है, तो इनकी जर्नी अच्छी हो। दीदी आपका थैंक यू बहुत ज़्यादा, सोनिया जी से भी ज़्यादा थैंक यू आपका, अगर आप ही नहीं मिलते तो वहाँ से इनसे तो मिलना मुश्किल ही था। जरूर जरूर आपके गांव आएंगे 100% किसी भी हालत में, अभी कभी आएंगे आना होगा। जरूर भाई साहब धन्यवाद आपका, बिल्कुल। तो अंकिता अब गाइस मैं तो जाऊंगा क्योंकि सुबह माँ की भी ट्रेन है, सुबह तो कौन है लेकिन शाम तक खड़ी जैसी भी ट्रेन में टिकट बनाऊंगा बनवाऊंगा, पैसा दे दूँ यार, क्योंकि अब टिकट तो छगुर माँ के पास कैंसिल कर वो टिकट तो कोई दिक्कत हो मैं टिकट को कोई अफसोस कौन दी, मैं तो खड़ा खड़ा भी चल जाऊंगा उड़े मैं, कोई दिक्कत होना। हाँ तो अच्छी बात, मन बहुत मजा आएगा गाइस। और मैं कमेंट आप फटबो कर जाए के लिए भाई सोनिया जी गमंड उमंड वाली चीज़ें चालू बो करता कि लाइफ में मैं भाई साहब। हाँ अब पता नहीं खुन लगा जैसे गमंड वाली चीज़ बाकी मान दे आधी परसेंट में से 0.1% भी ना लगे क्यों राजेश। और अब तो बढ़िया मजा आया, मतलब बहुत ज़्यादा मजा। और बिल्कुल बिल्कुल, और आसानी रहनी चाहो मैं तो यही चाहूँ सब ले आज 2 मिलियन जी एकदम 200 मिलियन 300 मिलियन हो, विराट कोहली का भी आगे निकला हुआ
तो फिर भी गमन ना नहीं चाहो क्योंकि पब्लिक ही जा पाना तेरी आगे पूछा वाली आसान से। तो बहुत गुस्सा मुदो मार तो जबान भी ना चल रही ज्यादा। फिर अगला ब्लॉग में खेऊंगा सारी बात गिर जार। तो बढ़िया और कायमा के बारे में तो सबक खेदी देवी बस ये पहले बता दिया मैंने कि ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं तो मतलब जो स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनका फायदा इनको मिलना भी चाहिए। बिल्कुल ये प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। थैंक यू भाई साहब। बहुत जल्द मिलते हैं इनसे वापस जी। ये जब कभी भी आएंगे चेन्नई से वापस तो मिलेंगे अपनी बार गाँव में मिलेंगे सीधा जयपुर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप डायरेक्ट भाई साहब के गांव में जाएंगे सब फैमिली के साथ में इनको भी लेके जाएंगे साथ में। और बढ़िया हमारी फैमिली बॉन्डिंग अच्छी हो गई है तो आप सब सो और आपकी जर्नी हैप्पी हो बढ़िया आराम से जाना आप सब। और इतना इथार दे रहे भाई साहब तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन बढ़िया गुड नाइट आप सभी को जाते हैं भाई साहब राम राम। मन तो ना कर रहे हो लेकिन जानी पड़ लो नहीं प्रकृति को नियम से जानी पड़ लो नहीं जानी पड़ लो क्योंकि मैं सुबह निकलूंगा नहीं 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 कोई बात को ना राम राम मान जी दीपक जी। और अंकिता मिल लो तारी सिस्टर से बेड़ा से चला भाभी नहीं फिर आऊँगा नेक्स्ट टाइम आऊँगा जब रुक कर जाऊँगा हाँ बत्ती खड़ा जमा मेहमान हाँ तो जाऊँ जा ठीक से चलो बाय। सोनिया दीदी से और दीपक भाई से मिल के आ गए अंकिता और दोनों अंकिता इसका नाम भी अंकिता है। और हमने खाना यहाँ पे पैक करवा के ला गया पनीर और सेव टमाटर और धर्मेंद्र भाई सिर्फ देखेगा खाएगा नहीं और ये सूंघेगा ये भी नहीं खाएगा गजब बेइज्जती है। भूख लग रही है खानों का लिया हाथे भी खाओ और ब्लॉग को एंड कर ला आप जल्दी क्योंकि सबसे मिल लिया बहुत मजा आया बहुत इंजॉय कराया। तो मिला था नेक्स्ट ब्लॉग में था बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट बना रखा जो और चैनल ने आगे बढ़ाई लगाओ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना।